हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सभी यूजर्स वेट कर रहे हैं MIUI 12 के स्टेबल अपडेट का। एंड कुछ दिनों पहले K20 के लिए इंडिया में MIUI 12 का स्टेबल अपडेट रोल आउट किया गया था। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4-5 दिनों के बाद ही K20 Pro में भी ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली गाइज, यहाँ पर आज Xiaomi की तरफ से अभी Redmi के एक और डिवाइस के लिए यानी K20 Pro के लिए MIUI 12 का 12.0.1.0 का स्टेबल अपडेट इंडिया में यहाँ पर Android 10 के ऊपर बेस रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। चेंज लॉग में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेंजेस मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप अभी अपने डिवाइस में इस अपडेट को चेक करेंगे तो ये अपडेट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी के लिए इस अपडेट को पार्शियल बेसिस पर टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आप 2-3 घंटे बाद चेक करेंगे तो हो सकता है कि बाद में ये अपडेट आपको दिखाई ना दे, फिर आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली K20 Pro के लिए भी आज इंडिया में अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है स्टेबल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बाकी Redmi के डिवाइसेस जैसे कि Note 8 सीरीज़ है, Note 9 सीरीज़, Note 7 सीरीज़ एंड और भी बाकी डिवाइसेज में ये अपडेट कब तक आपको मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि MIUI 12 का अपडेट किसी भी Xiaomi के डिवाइस में आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इंडिया में आज अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो कमेंट में आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा कि ये फेक न्यूज़ है। वीडियो को जरूर से आप लाइक कीजिए ताकि आपके डिवाइस में भी अपडेट आएगा तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको Moto One Fusion Plus की अनबॉक्सिंग देखनी है रिटेल यूनिट की, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखनी है कि क्या कुछ फीचर्स Moto One Fusion Plus में मिलते हैं, तो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो एक बार जरूर से अपना सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो को लाइक करके। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जो स्पीड है वो भी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपडेट का वर्जन अगर हम बात करें तो 12.0.1.0 का अपडेट है। QFKINXM यानी एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस है। IN आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये इंडिया का अपडेट आपको मिल जाता है। 478 MB अपडेट का साइज़ है। और दोस्तों, जो यूजर्स MIUI 11 के ऊपर हैं तो उनको ये अपडेट 2.3 GB के अप्रोक्स मिला है। लेकिन जो MIUI 12 का जो पायलट बीटा टेस्टिंग था वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था एंड मुझे MIUI 12 का अपडेट पहले ही मिल गया था। तो जिन यूजर्स ने MIUI 12 की पायलट बीटा टेस्टिंग ऑलरेडी ज्वाइन करके रखी थी, जिन्हें पहले ही टेस्टिंग के लिए MIUI 12 का अपडेट मिला था, तो उनको ये अपडेट 478 MB का भी यहाँ पर मिला। आप देख सकते हैं MIUI 12 के बाद दोस्तों कुछ ऐसी एनिमेशन आपको मिलेगी अपडेटर ऐप की जो कि यार कमाल की है। तो अपडेट यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है, तो जल्दी से आप अपडेट कर लीजिए। 2.3 GB का मिलता है या फिर 478 MB का मिलता है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। दोस्तों, ये स्टेबल अपडेट है, अभी कुछ सेलेक्टेड यूजर्स को पार्शियली इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। 8 to 10 days का आपको वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 हफ्ते के बाद ये अपडेट सभी यूजर्स को डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स आजकल में आ जाएगी, जैसे ही आएगी वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ना मिले तो आप टेलीग्राम पर MDTalk Official Redmi लिख कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो वहां पर आपको जरूर से आपके डिवाइस में अगर आपको अपडेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर डाउनलोड लिंक चाहिए तो मैं आपको सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अपडेट डाउनलोड हो चुका है। तो रिबूट नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं एंड 4 से 5 मिनट तक हम वेट करते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपडेट देख सकते हैं, MIUI 12 के अंदर आपको कुछ ऐसे चेंजेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर आपको MIUI 12 के अंदर आपको मिलेगा Redmi के सभी डिवाइसेस में। और जो सिक्योरिटी ऐप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे आपको मिल जाएगी। बैटरी एंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सारे चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो चेंजेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर 11 से 12 में कुछ ऐसे चेंजेस आपको मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं, कल उसकी वीडियो डिटेल में आएगी। और दोस्तों, अगर बात करें बाकी डिवाइसेस के बारे में जैसे कि Redmi Note 7 सीरीज़, Note 8 सीरीज़, Note 9 सीरीज़, तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको Redmi के सभी डिवाइसेस के बारे में बताया है। टाइमलाइन भी आपको बताई है कि कब कब कौन से डिवाइस में अपडेट मिलेगा। एंड वैसे ही यहाँ पर K20 सीरीज़ के अंदर भी अपडेट देखने को मिला है, तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिलेगी, ज़रूर से आप देख लेना आपके डिवाइस में कब तक अपडेट मिलेगा। सब कुछ आपको बताया है, Android 10 मिलेगा कि नहीं ये भी आपको बताया है।
फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी K20 सीरीज़ के बाद जो अगला नंबर है अपडेट का वो है Redmi Note 8 सीरीज़ का। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 8 Pro, Poco F1, Poco X2, Redmi Note 7 Pro, इन चारों डिवाइसेस में से किसी में भी अपडेट अभी जल्दी आपको मिलेगा K20 Pro के बाद। उसके बाद दोस्तों आपका जो Redmi Note 8 है, Redmi Note 7, Note 7S है, उनमें अपडेट मिलेगा। तो Note 7 सीरीज़, Note 8 सीरीज़ के जो भी डिवाइसेज हैं, जुलाई एंड तक आपको उससे पहले ही अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा MIUI 12 का इंडिया में। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप टाइमली अपने डिवाइस में अपडेट को इंस्टॉल कर सकें। एंड जैसे ही किसी भी डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट आएगा तो उसकी जो डाउनलोड लिंक है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको अपडेट नहीं मिलेगा तो आप वैसे भी अपडेट यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको K20 Pro के अंदर ये अपडेट नहीं मिला है तो डाउनलोड लिंक मैं जैसे ही मिलती है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो MIUI 11 के लोगों के ऊपर आपको 10 से 12 बारी लगातार टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपका चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों फाइल मैनेजर के अंदर उस फाइल को आपको फाइंड आउट कर लेना है जो कि आपने अपडेट की फाइल डाउनलोड की है। उस फाइल पर क्लिक करके ओके आप कर दीजिए। फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपका डिवाइस यहाँ पर सिंपली अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। इस अपडेट के जो टॉप फीचर्स हैं, मतलब इंडियन रोम में रेडमी के डिवाइसेस में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, वो वीडियो कल तक आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।